हेलो एंड वेलकम बैक डॉट टू टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम देखेंगे स्टोरिंग इज नॉट बोरिंग का सीरीज जो हम पिछले हफ्ते से करते जा रहे हैं। और हमने स्टोरिंग इज नॉट बोरिंग में हमने आपको थोड़ी चीजें बताई हैं, जैसे आप इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर कर सकते हैं, सिलेक्टिव की तरह से कैसे स्टोर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टोरिंग इज नॉट बोरिंग में हम क्या कर सकते हैं। और तो आज हम देखेंगे हमारे कोई भी क्यू लिस्ट में से अगर किसी इन्फॉर्मेशन को, एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन को अगर आपको निकालना है और इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। पहले मैं अपना क्यू लिस्ट दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे क्यू लिस्ट में ये क्यू नंबर 1 है, क्यू नंबर 2, क्यू नंबर 3, क्यू नंबर 4, उसके बाद में 5। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे क्यू लिस्ट में कलर चेंज है और यहाँ पर पोजिशन चेंज हो चुका है और यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक क्यू लिस्ट देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्यू लिस्ट बनाई है, उसमें 9 क्यू डाल रखी है मैंने। जितने भी क्यूज हैं उसमें अभी आप देख सकते हैं कि उसमें कलर चेंज है, मूवमेंट भी है और एक इफेक्ट भी रन हो रखा है। तो मैं अभी आपको मैं अपना ये वाला स्क्रीन दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपना फिक्स शीट दिखाऊंगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सारा इन्फॉर्मेशन है और मैं चाह रहा हूँ कि इस किसी क्यू में से मैं इन्फॉर्मेशन निकाल दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं चाह रहा हूँ कि अभी क्यू नंबर 1 और फिक्शन नंबर 1 और फिक्शन नंबर 8 का इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ मेरे सारे क्यूज में से। उसे करने के लिए मुझे पहले हमने दो फिक्शर्स को सिलेक्ट करना होगा और निकालने के लिए मुझे स्टोर दबाना होगा। ये थोड़ा सा अलग रहेगा निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया जो भी अगर आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपको स्टोर दबाना होगा, लेकिन हम इस वाले वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए भी स्टोर दबाना होगा और कैसे करना होगा मैं आपको भी बताऊंगा। स्टोर ताकि मैं अभी बताऊंगा नहीं कि आपको ये पहले मैं दोनों लेट को सिलेक्ट किया और प्लीज प्लीज करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे एट्रीब्यूट सिलेक्ट हो चुके हैं और मैं अभी इसे स्टोर करूंगा। स्टोर नहीं करूंगा लेकिन इंफॉर्मेशन को रिमूव करूंगा। उसको करने के लिए मुझे स्टोर दबाना होगा, स्टोर 1 through 8, इसलिए कि यहाँ पे क्यू मेरा ऑलरेडी आ चुका है और मैं प्लीज दबाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मर्ज रिमूव एंड ओवरराइड, तो मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे करूंगा ये बताएगा कि रिमूव एक्टिव टच्ड वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट क्यू। जैसे कि हम क्यू नंबर 1 से लेके 8 तक कर रहे हैं तो मैं अभी रिमूव करूंगा। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं कुछ चेंज हुआ नहीं, लेकिन जब मैं अपने प्रोग्रामर को क्लियर करूंगा आप देख सकते हैं चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं आप देख सकते हैं मेरा क्यू लिस्ट में से फिक्शन नंबर 1 और फिक्शन नंबर 8 का इंफॉर्मेशन जा चुका है। जैसे कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा क्यू ऑन करके आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बाकी के फिक्शर्स का इन्फॉर्मेशन है लेकिन क्यू फिक्शन नंबर 1 और फिक्शन नंबर 8 का इन्फॉर्मेशन जा चुका है। इस तरीके से आप कोई भी क्यू लिस्ट में से अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को निकालना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि रिमूव करके। और एक तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इससे पहले कि मैं उप्स कर लूँ, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन सारा वापस कर लूँ अभी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारा कुछ वापस कर लिया है और मैं आपको क्यू लिस्ट बताऊंगा मैं फिर से। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे क्यू लिस्ट में क्यू नंबर 1 व्हाइट कलर में है, 2 रेड कलर में है। तो इसमें से मैं चाह रहा हूँ कि क्यू नंबर 4 में से किसी दो पिक्चर का कलर इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ। उसे निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं। पिक्चर सेलेक्ट करना होगा और कलर के ऊपर आपको दो बार दबाना होगा ताकि ये एक्टिवेट हो जाएगा इस तरीके से। और अभी यहाँ पे आपको स्टोर लिखना होगा और आपको क्यू का बटन दबाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 4 दबाएंगे तो फिर आपको ये आ जाएगा और जैसे आप ये दबाएंगे फिर से आप रिमूव कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इन्फॉर्मेशन रिमूव कर दिया है। मैं अभी इसको क्लियर करूंगा और मैं इसे बंद करूंगा और फिर से चालू करके आपको बताऊंगा
क्यूब नंबर 4 में जो कलर था वो कलर का इन्फॉर्मेशन जा चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी क्यूब नंबर 3 चल रहा है, 4 जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी सब में ब्लू है और इसमें वो इन्फॉर्मेशन जा चुका है, ये पिछले वाले क्यूब से ट्रैक हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है पिछले वाले क्यूब में से वो वाले क्यूब में से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं आप। सो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप दो तरीके हैं, आप एट्रीब्यूट को डबल क्लिक करके निकाल सकते हो और नहीं तो डायरेक्टली आप स्टोर ऐसे भी स्टोर रिमूव भी कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी प्रोग्रामिंग में सहायता होगी।